किसानों के नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आज निजी कार्यक्रम में जालौन के उरई पहुंचे हुए थे। यहां इन्होंने पत्रकारों से वार्ता भी की। इसी दौरान मीडिया के माध्यम से इन्होंने देश और प्रदेश की सरकार से मांग की है कि बुंदेलखंड के पूरे किसानों का कर्जा माफ किया जाए। पूरे देश में बुंदेलखंड की हालत सबसे ज्यादा खराब है और यहाँ ऑर्गेनिक बोर्ड भी बनाना चाहिए। 36,000 करोड़ की उन्होंने बात करी कर्जा माफी की उत्तर प्रदेश की। बुंदेलखंड का पूर्ण रूप से कर्जा माफ करना चाहिए उनको। अगर पूरे देश का नहीं हो रहा और उत्तर प्रदेश का भी नहीं हो रहा तो जो बुंदेलखंड मध्य प्रदेश की हमारी बेल्ट पड़ती है और उत्तर प्रदेश की, इसका पूर्ण रूप से कर्जा माफ करना चाहिए, क्योंकि बुंदेलखंड की हालात सबसे खराब स्थिति है। अगर यहाँ पे बर्फबारी होगी तो सबसे ज्यादा होगी। यहाँ पे पानी की यहाँ पे कमी है, मिट्टी यहाँ पे दूसरे तरह की मिट्टी है और फसल की गारंटी यहाँ पे ये नहीं है कि हम उर्वरक ज्यादा दे रहे। यहाँ पे ऑर्गेनिक बुंदेलखंड ऑर्गेनिक बोर्ड बनना चाहिए। सरकार ने 10 साल पुराने डीजल वाहन बंद करने का फैसला किया है। उस पर राकेश टिकैत का कहना है कि ट्रैक्टरों को इससे अलग किया जाए या सरकार इसके लिए भी कोई बजट लाए और किसानों के पुराने ट्रैक्टर लेकर नए ट्रैक्टर उपलब्ध कराए। पुराने डीजल वाहन इन्होंने बंद करने की बात करी है। हमने कहा कि ट्रैक्टर को इससे फ्री रखा जाए और हम 27 मार्च को हर जिला मुख्यालय पे हमारा ट्रैक्टरों के साथ में प्रदर्शन होगा। जो ट्रैक्टर 10 साल पुराने हैं, हमारी सरकार से डिमांड है कि उसके लिए अलग से बजट लेकर आए, जैसे गंगा रिवर फ्रंट के लिए लेकर आ रहे हैं। ट्रैक्टरों के लिए भी अलग से बजट बने, हमारे पुराने ट्रैक्टर ले लो और नए हमको दे दो, या इसको 10 साल पुरानी स्कीम से बाहर निकाल लें। किसान तो मर जाएगा बिल्कुल, आत्महत्या और ज्यादा करेगा। आज 50 साल पुराना ट्रैक्टर तो हमारे पास में है, हम उसको मई में रिटायर करेंगे 15 मई को। राकेश टिकैत ने यह भी बताया कि किसान यूनियन के बैनर तले 13 मार्च से कर्जा माफी और अन्य समस्याओं को लेकर पूरे देश के किसान दिल्ली में आंदोलन करेंगे। इसके बाद प्रदेश स्तर पर 27 मार्च को पुराने ट्रैक्टरों को लेकर भी प्रदर्शन किया जाएगा। जालौन से अनुज कौशिक, न्यूज 75 ब्यूरो।